गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज मैं आप लोगों को पार्ट चार एक था राम पार्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। तो इस कहानी में बताया गया है कि हमें सदैव अच्छी संगति को अपनाना चाहिए, अच्छी संगति में सत्संगति में रहने की कोशिश करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संगति का प्रभाव बहुत महत्व रखता है। अगर हम अच्छी संगति में रहते हैं तो हमारा विचार उत्तम होता है। अगर संगति हमारी अच्छी नहीं हो तो ये हमारे विचारों को दूषित भी करता है, ठीक है ना। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि राम एक पात्र है। राम अकेला अपने पढ़ने के कमरे में बैठा था। एक दिन की बात है, राम अकेला अपने पढ़ाई के कमरे में बैठा था और साथ में उसकी बहन भी थी, ठीक है। वे अपने अपने कामों में लगी थी। पिताजी 6 बजे दफ्तर से घर आए थे और 2 मिनट राम से बात करके फिर कहीं वापस चले गए। राम जिस समय अपने पढ़ाई के कक्ष में बैठा था, उसके साथ उसकी बहन भी थी, उसी समय उसके पिताजी अपने कार्यालय से आए। वे 2 मिनट के लिए उन्होंने राम से बात की और फिर वापस कहीं चले गए। शायद रविशंकर जी से माफी मांगने गए थे। कहानी में बताया गया है कि राम के पिताजी शायद उस समय रविशंकर जी, जो कि राम के अध्यापक थे, उससे माफी मांगने गए होंगे। जब राम के पिताजी दफ्तर से आ रहे थे तभी रास्ते में किसी ने उनसे सारी बातें कह दी थी। आते ही वे सीधे राम के कमरे में गए और कड़क कर पूछा, क्या आज सवेरे परीक्षा के समय कोई बात हुई थी? यहाँ पे यह बतलाया गया है कि जब राम के पिताजी अपने कार्यालय से लौट रहे थे तो शायद उन्हें किसी ने राम के व्यवहार के बारे में, जो उसने शिक्षक के साथ जो व्यवहार किया था उसके बारे में किसी ने चर्चा की थी, तो शायद इसी सिलसिले में बात करने हुए रविशंकर अध्यापक जी के पास गए थे। तो पिताजी ने उनसे यह भी पूछा, क्रोधित होते हुए पूछा कि क्या सुबह की जो परीक्षा थी उसमें कोई बात हुई थी? इस बात पर राम बिल्कुल चुप रहा, वह कुछ भी नहीं बोला। राम के पिताजी ने फिर क्रोधित होकर उससे पूछा, क्या आज तुमको गणित के अध्यापक रविशंकर जी ने नकल करते हुए पकड़ा था? फिर उसके अध्यापक ने उसके पिताजी ने उससे पूछा कि क्या सुबह में जब अब तुम परीक्षा दे रहे थे तुम्हारे अध्यापक ने तुम्हें नकल करते हुए, चीटिंग करते हुए पकड़ा था? राम ने कहा, जी मैं नकल कर रहा था तो अध्यापक ने मुझे नकल करने से मना किया था। तुमने उनसे क्या कहा? राम के पिता फिर बोले। राम के पिताजी फिर उससे बोले कि जब अध्यापक ने तुम्हें नकल करने से रोका तो तुमने उनसे क्या कहा? बोलते क्यों नहीं है? राम के पिताजी उस पर और अधिक क्रोधित हुए। राम की माँ और बहन भी आकर उसकी बातों को सुनने लगी। पिताजी के स्वर जैसे ही ऊंचे हुए तो राम की माँ भी वहां पर आ गई और उनकी बातों को सुनने लगी। क्या तुमने अपने अध्यापक से यह कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की? अब उसके पिताजी उससे पूछने लगे, क्योंकि राम ने जब उसके अध्यापक ने उसे नकल करने से रोका था तो राम ने उनसे कहा कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे नकल करते हुए आप रोक रहे हैं, ठीक है, आपने यह गलती क्यों की? राम के पिताजी ने डांटते हुए उससे पूछा। फिर उसके पिताजी ने उससे कहा कि तुम इतनी बड़ी बात अपने अध्यापक को, अपने शिक्षक को कैसे कह गए? ये तुम इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो गई? राम से गलती तो हो चुका था, क्योंकि गणित उसका कमजोर विषय था, गणित में वह कमजोर था, इसलिए कुछ लड़कों के बहकावे में आकर वह भी एक चीट तैयार करके ले गया था। तो कुछ बच्चों के बहकावे में वह आ गया था और गणित की परीक्षा के दिन एक चिट तैयार करके ले गया था, और जिस समय वह नकल कर रहा था उसी समय उसे अध्यापक ने पकड़ लिया था। रविशंकर जी राम के पिता को अच्छी तरह जानते थे। राम ने नकल भी कोई खास नहीं की थी, इसलिए उन्होंने चुपके से चिट छीन ली और मसल कर फेंक दी। रविशंकर जी और राम के पिताजी में जान पहचान थी, वे उसे जानते थे, इसलिए शिक्षक ने भी बात बढ़ाना नहीं चाहा और उसने नकल भी कोई ज्यादा नहीं की थी, तो वो चीट लेकर
वो उसे चिट ले लिए, राम से चिट ले लिया और उसे मसल कर उन्होंने वहीं पर फेंक दिया। फिर वहां से वह हट गए, कहा कुछ भी नहीं उसे, इसके लिए कुछ भी उन्होंने, अध्यापक ने राम को कुछ भी नहीं कहा। नकल में पकड़े जाने पर कार्यवाही होती है। नकल में जब पकड़ा, किसी भी परीक्षा में विद्यार्थी जब नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। छात्र से फॉर्म भरवाया जाता है जिससे वह नकल की बात लिखता है। छात्र से एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें कि नकल की बात को वह लिखता है कि मेरे द्वारा फलाने परीक्षा में नकल की गई है। इस कार्यवाही से छात्र का एक साल तो बर्बाद होता ही है। रविशंकर जी ने शायद यह सोचकर कोई कार्रवाई नहीं की। रविशंकर जी जानते थे कि अगर इससे फॉर्म भरवाया जाएगा तो इससे राम का एक साल बर्बाद हो जाएगा, वो एक साल पीछे चला जाएगा। तो यह सोच समझकर उन्होंने उससे कुछ कहा नहीं, बल्कि चिट लेकर उन्होंने फेंक दिया। राम के पिता बहुत रईस आदमी तो थे नहीं, ठीक है, इतना भी नहीं थे, मतलब कोई जमींदार नहीं थे कि उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी, किंतु राम इस बात को नहीं जानता था कि उसके पिताजी गणित के अध्यापक से परिचित भी है। राम को यह नहीं पता था कि उसके पिताजी की जान पहचान गणित के अध्यापक से है। वह अगर इन बातों को जानता तो अध्यापक को ऐसा जवाब नहीं देता, ठीक है। फिर उसके पिताजी उसे बहुत फटकारते हैं, उसे बहुत डांटते हैं और उससे यह भी कहते हैं कि तुम्हें अपने व्यवहार पर शर्मानी चाहिए। मैं नहीं सोचता था कि तुम ऐसे हो, दुखी होकर राम के पिता बोले और तेजी से घर से फिर से वापस चले गए। राम को फटकारते हुए वे बोले कि मैं नहीं जानता था कि तुम इस तरह के लड़के हो। वे काफी दुखी थे और वे इतना कहकर घर से चले गए। उनके चले जाने के बाद माँ ने लाख पूछा पर राम ने कुछ नहीं बताया। जब उसके पिताजी चले गए तो माँ ने उससे पूछा कि क्या बात हुई है, लेकिन राम ने माँ को कुछ भी नहीं बताया। बहन बहुत छोटी थी, वह क्या पूछती। बहन राम से काफी छोटी थी, बहन ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब राम अपने कमरे में अकेला था और मन ही मन घुट रहा था, मतलब वो काफी दुखी था क्योंकि उसने भी बहुत बड़ी गलती की थी, ठीक है। तो अब वो काफी पश्चाताप कर रहा था, लेकिन अब पश्चाताप करने से उसे कोई फायदा नहीं था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके मुंह से ऐसी बात कैसे निकली। अब उसे यह सोचकर वह हैरान था कि अध्यापक के प्रति उसके मुंह से ऐसी बात निकली कैसे, ठीक है ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब राम ने गलती की थी और वो अध्यापक पर ही, वह अध्यापक को ही उसने कहा कि आपकी कैसी हिम्मत हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीटिंग करने से रोकने के लिए। अध्यापक जी सही काम कर रहे थे, वह कह रहा था कि गलत काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अध्यापक उसे सही बात समझा रहे थे, लेकिन उल्टा राम उनसे बोला कि आप मुझे चोरी करने से, नकल करने से रोक क्यों रहे हैं। यही सब सोच कर वह काफी दुखी था। राम अपने मन में बहुत अधिक घुट रहा था, वह बहुत ज्यादा दुखी था, और क्योंकि उसने एक ऐसे अध्यापक का अपमान किया था जिनका कॉलेज में सभी सम्मान करते थे। अब राम सोच रहा था कि उसने ऐसे अध्यापक को का अपमान किया था जिनका कॉलेज में सभी लोग आदर करते थे, ठीक है। मैंने अपने अध्यापक का अपमान किया, पर उन्होंने नकल वाली पर्ची अवश्य ली, किंतु मुझे निष्कासित होने से बचाया। अब राम सोच रहा था कि जब मैं नकल कर रहा था तो अध्यापक अगर चाहते तो मुझे परीक्षा से वंचित कर सकते थे, मुझे परीक्षा से निष्कासित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि बस पर्ची लेकर उसे फेंक दिया। यदि वे चाहते तो फॉर्म भरवाते और इससे मेरा एक साल बर्बाद हो जाता। इसी तरह के उधेड़बुन में राम पड़ा हुआ था, इन बातों को वह सोच रहा था। स्वार्थ में आदमी अपना विवेक खो देता है। जब किसी व्यक्ति के सामने स्वार्थ आ जाता है, स्वार्थ में आकर वो अपने विवेक कुशलता को भी, मतलब सोचने की शक्ति को भी उसकी उसे सोचने की शक्ति भी उसकी खत्म हो जाती है।
उस समय उसे उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं रहता है, क्या सही है क्या गलत है इसका कोई ज्ञान उसे नहीं रहता है। राम के साथ भी यही हुआ। अब एकांत में वह यही सोच रहा था कि अपने गुरु का अपमान करते समय अब वह अपना विवेक खो बैठा, जबकि वे अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। अब राम बस पश्चाताप कर रहा था कि गुरु जी मुझे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे थे और मैंने उनका अपमान किया। न जाने मेरी विवेक कहाँ चली गई थी, न जाने मेरी बुद्धि उस समय कहाँ चली गई थी। ये सारी घटना 20 दिन पहले की है। राम को याद आया इन्हीं अध्यापक ने कहा था, राम अपनी तैयारी अच्छी रखना, तुम्हें अच्छी श्रेणी लानी है। परीक्षा से 20 दिन पहले उसी अध्यापक ने, रविशंकर जी ने ही उसे समझाया था कि राम परीक्षा आने वाली है तो तुम अपनी तैयारी अच्छी रखना, क्योंकि तुम्हें इस बार अच्छी श्रेणी से पास होना है, अच्छा रिजल्ट लाना है। लेकिन राम तो सब भूल गया, क्योंकि वह कुसंगति में जो उसके दोस्त थे वे सभी अच्छे नहीं थे, तो कुसंगति में आकर अध्यापक की अच्छी बातों को भी उसने भुला दिया। यह कुसंगति थी भानुशंकर की, त्रिभुवन की और मोहन की। तीन उसके मित्र थे, एक था भानुशंकर, दूसरा था त्रिभुवन और तीसरा था मोहन। इन तीनों के बहकावे में आकर उसने बहुत बड़ी गलती की थी। ये तीनों वे विद्यार्थी थे जिन्हें पढ़ने लिखने से कुछ मतलब ही नहीं था। घर में संपन्न थे, मतलब धनी थे वे लोग, वो तीनों धनी थे, धनी परिवार से आते थे, तो उन्हें पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था। नौकरी करनी नहीं थी, इसलिए यह भी चिंता नहीं थी कि मेहनत से पढ़े। उन्हें नौकरी तो करनी नहीं थी, किसी तरह उन्हें डिग्री हासिल करनी थी ताकि पढ़े लिखे समाज में अपना सिर ऊंचा रख सके। नौकरी तो उन्हें करनी नहीं थी कि ताकि उसके प्रति वो मेहनत करें। अपनी अपनी कार में पढ़ने आते थे, नौकर साथ में आता था और कॉलेज में भी कोई ना कोई शरारत ही करते रहते थे। जब वे कॉलेज आते थे तो अपनी कार से आते थे और साथ में नौकर रहता था। कॉलेज में वे पढ़ते नहीं थे, बल्कि कुछ ना कुछ शरारत ही करके जाया करते थे। धनी होने के कारण प्रधानाचार्य भी इनके घर वालों से थोड़ा दबते थे। वे लोग काफ़ी धनी थे, उनका काफ़ी रुतबा था, इसलिए जो कॉलेज के प्रधानाचार्य थे उनसे उन लोगों से थोड़ा दबते थे और कुछ अध्यापक भी। प्रधानाचार्य के दबने का कारण तो था यह था कि जब एक कारण था कि जब कॉलेज की इमारत बन रही थी तो उनमें से दो लड़कों के दादा ने कॉलेज को काफ़ी धन दिया था। जब कॉलेज का भवन बनाया जा रहा था, इन तीनों में जो दो लड़के थे उसके दादा ने काफ़ी रुपए पैसे दिए थे, काफ़ी धन दिया था। वास्तव में वे अच्छे लोग थे, इन भानुशंकर, त्रिभुवन या मोहन की तरह बुरे विचार वाले नहीं थे। उनके जो दादाजी थे वे काफ़ी अच्छे विचार के थे, क्योंकि वे लोग चाहते थे कि अपने गांव में जब कॉलेज बन जाएगा तो हमारे गांव के बच्चों को सुविधा होगी, यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से अपने अध्ययन जारी रख सकेंगे। परंतु भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन अपने दादाजी की तरह नहीं थे। करीब एक घंटा बीत गया, माँ फिर आई, बोली चलो खाना खा लो, जो हुआ सो हुआ। एक घंटे के बाद माँ राम के कमरे में आई और उससे कहा कि चलो अब तो तुमने गलती कर दी है, चलो अब खाना खा लो। अपने अध्यापक का अपमान तुम्हें नहीं करना चाहिए। साथ में माँ ने भी समझाया कि तुम्हें अपने अध्यापक का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे अध्यापक कुछ भी कह रहे थे उनके बातों को मानना चाहिए था, तुम्हें अपने अध्यापक का अपमान नहीं करना चाहिए था। राम ने माँ से कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, और वो काफ़ी रोने लगा। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है। अब राम को काफ़ी पछतावा हो रहा था, क्योंकि राम ने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने अध्यापक का अपमान किया है, मैं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा, मैंने कितनी बड़ी गलती की है। माँ से उसने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, क्योंकि मैंने अध्यापक का अपमान किया है। ठीक है, उसे अब बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। राम
रोज आ रहा था, रोज आ रहा था, काफ़ी रो रहा था माँ के पास। बेटे को रोता देखकर माँ भी रो पड़ी, बहन की आंखों में भी आंसू आ गए। जब राम रो रहा था तो उसे देखकर उसकी माँ भी रो पड़ी और साथ में उसकी छोटी बहन भी उसे रोता हुआ देखकर रोने लगी। अब तक राम के पिता भी आ चुके थे, तब तक राम के पिता भी बाहर से आ गए थे। वे जैसे ही कमरे के अंदर आए, राम और ज़ोर से रोने लगा। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत सचमुच भारी गलती हो गई। पिताजी के सामने वह बिलख कर रोने लगा और कहने लगा, पिताजी मुझसे भूल हो गई है, मुझे आप मैं इसके लिए काफ़ी शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटे को रोता देखकर पिता का मन भी भर आया, पिताजी भी रुआसा हो गए, रोने सा हो गए। बेटे की आँख से निकले ये आंसू पश्चाताप के आंसू थे, ये दुख के सच्चे आंसू थे। वे समझ गए कि राम को अपने की गई गलती पर पश्चाताप हो रहा है, तो उसे राम के पिता भी काफ़ी भावुक हो गए। रो मत पिताजी, पिता ने दुखी होते हुए उसे समझाया, कल तुम अपने अध्यापक के पास जाना, उनसे माफ़ी मांग लेना, वे तुम्हें माफ़ कर देंगे, मैं उन्हीं के पास गया था। मैं तुम्हारे राम के पिताजी ने कहा कि अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो कल तुम एक काम करना कि अपने अध्यापक के पास जाना और उनसे क्षमा मांगना, जो तुमने गलती की है उसके लिए, उससे उस भूल के लिए उनसे क्षमा मांगना, वे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, अभी मैं उनसे मिलकर ही आया हूँ। राम उठा, सबके कहने पर उसने अपना मुंह हाथ धोया, सबने मिलकर खाना खाया। राम पिताजी के कहने के बाद राम उठा, मुँह हाथ धोकर सबके साथ मिलकर खाना वाना खाया। अब उसका मन कुछ हल्का हो गया था, पिताजी के कहने के बाद उसका मन थोड़ा सा हल्का हो गया था, पूरी तरह तो उसका मन हल्का कल होगा जब सवेरे जाकर वो अपने अध्यापक से माफ़ी मांगेगा। वह सोच रहा था कि मैं पूरी तरह से मेरा मन तभी हल्का होगा जब अध्यापक रविशंकर जी के पास जाकर वो माफ़ी मांगेगा और वे उसे माफ़ कर देंगे, क्योंकि वह जानता था कि उसके अध्यापक बहुत अच्छे हैं, क्योंकि राम जानता था कि उसके अध्यापक बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, अच्छे स्वभाव के हैं। राम ने अपने अध्यापक से माफ़ी मांगने के निश्चय के साथ ही यह भी निश्चय कर लिया कि वह भानुशंकर, त्रिभुवन, मोहन जैसे साथियों को छोड़ देगा जिनके कारण उसके स्वभाव में दोष आ गया है। अब राम ने यह भी निश्चय किया कि मैं अध्यापक से माफ़ी भी मांगूंगा और साथ में यह निश्चय किया कि आज से वह भानुशंकर मोहन और त्रिभुवन की दोस्ती में नहीं रहेगा, उनका साथ वह छोड़ देगा जिनके कारण उसका स्वभाव बुरा हो गया है, उसका स्वभाव बदल गया। साथ में वह उसने मन ही मन सोचा कि अब वह मेहनत से पढ़ेगा, अच्छे साथियों के साथ रहेगा, पढ़ाई में मेहनत करेगा और अपने अच्छे साथियों के साथ अच्छी संगति में वह रहेगा। तो इस कहानी का आपने जाना कि इस कहानी का मुख्य पात्र राम है, जो कुसंगति में पढ़कर बुरी संगति में आकर अध्यापक का अपमान करता है। जब पिता को इस बात का पता चलता है तो राम को काफ़ी फटकारते हैं, काफ़ी डांटते हैं, इससे वह बहुत दुखी होता है और राम को अपने किए गए गलती पर बहुत बहुत पछतावा होता है और वह अपने रोड़ो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। अपने पिताजी से यह कहता है कि पिताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, इसके लिए वह काफ़ी शर्मिंदा भी होता है और अंत में वह निश्चय करता है कि वह अपने दोस्तों के साथ, जो त्रिभुवन और मोहन और भानुशंकर की जो दोस्ती है, जिनके साथ, जिनके कारण उनके स्वभाव में दोष आ गया है, उनकी संगति छोड़ देगा और मेहनत से पढ़ाई करेगा और अपने जीवन में वह सफल होगा। ठीक है ना, तो इस कहानी के द्वारा हमने जाना कि बुरी संगति में रहने से हमारा विचार भी दूषित हो जाता है, तो हमें अच्छी संगति में रहने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू क्लास।